नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में देश के वर्तमान राष्ट्रीय सामाजिक एवं धार्मिक परिदृश्य का चिंतन करते हुए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। यह बैठक 8 मार्च से ग्वालियर में शिवपुरी लिंक रोड स्थित केदार धाम में आयोजित की जाएगी। इस 3 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न भागों से 1400 से अधिक प्रतिनिधि एवं प्रमुख कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह जानकारी देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री अरुण कुमार जी ने बताया कि इस बैठक में संपूर्ण देश में संगठन की दृष्टि से 11 क्षेत्र एवं 43 प्रांतों की कार्यकारिणी सहित देश भर के चयनित प्रतिनिधि, विभाग प्रचारक एवं विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले समविचारी संगठनों के केंद्रीय प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। श्री अरुण कुमार जी ने बताया कि सर संघ संचालक श्री मोहन जी भागवत के मार्गदर्शक एवं सर कार्यवाह श्री भैया जी जोशी द्वारा संचालित इस बैठक में संघ शिक्षा वर्गों व प्रशिक्षणों सहित विभिन्न कार्यों के लिए केंद्रीय अधिकारियों के वर्ष भर के प्रवास कार्यक्रम भी तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह बैठक हर वर्ष प्रतिपदा से पूर्व आयोजित की जाती है। संघ कार्य के संबंध में निर्णय लेने वाली इस सर्वोच्च संस्था की बैठक में कार्य विस्तार, गत वर्ष के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, कार्य दृढ़ीकरण एवं आगामी वर्ष के कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से चर्चा की जाती है। बैठक का शुभारंभ 8 मार्च को प्रातः 8:30 बजे सर संचालक श्री मोहन जी भागवत एवं सर कार्यवाह श्री भैया जी जोशी द्वारा किया जाएगा। अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये एक प्रकार का कर्टन रेजर या बैठक की जानकारी देने वाला ये प्रेस ब्रीफिंग का कार्यक्रम है। 8, 9 और 10 मार्च को अपनी ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ग्वालियर में होने वाली है। वर्ष में एक बार ये बैठक होती है और संघ की ये निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। सामान्यतः वर्ष भर जब विचार चलता है, चिंतन चलता है, तो आगे के सब निर्णय जो भी होने होते हैं इस बैठक में होते हैं। अपनी इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में लगभग 1400 कार्यकर्ता ये अपेक्षित हैं। अखिल भारतीय कार्यकारिणी देश में संघ के 11 क्षेत्र है, जोन है, उन क्षेत्रों की कार्यकारिणी, फिर संघ की दृष्टि से 42 प्रांत है, 42 प्रांत है, उन प्रांतों के माननीय प्रांत संघचालक, कार्यवाह प्रचारक और कार्य विभाग प्रमुख, इसके अतिरिक्त देश भर के विभाग प्रचारक निमंत्रित सदस्य के रूप में इस प्रतिनिधि सभा में रहते हैं। इसके अतिरिक्त समाज जीवन के विविध संगठनों में काम करने वाले ऐसे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता स्वयंसेवक के नाते निमंत्रित सदस्य के रूप में वो भी इस बैठक में उपस्थित रहते हैं। अपने इस बैठक का संचालन माननीय सर कार्यवाह जी द्वारा होता है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के मार्गदर्शन में ये बैठक चलती है। इसके अतिरिक्त इस सारे में जो महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है वो अखिल भारतीय प्रतिनिधियों की रहती है। देश के अंदर 3 वर्ष में एक बार अपने यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया रहती है और 2000 सक्रिय स्वयंसेवकों के ऊपर एक प्रतिनिधि, ऐसा प्रतिनिधि का चुनाव ये होता है। एक 500 के लगभग प्रतिनिधि भी सारे देश भर से ऐसे वहां पर यहाँ पर बैठक के अंदर उपस्थित होने वाले हैं। अपनी ये जो बैठक है अपने संघ के वर्ष भर के कार्यक्रम के अंत में होती है, यानी वर्ष प्रतिपदा से वर्ष का प्रारंभ होता है तो वर्ष प्रतिपदा के पूर्व सामान्यतः ये बैठक रहती है। इस बैठक के अंदर पूरे वर्ष भर में संघ का कार्य का विस्तार कितना हुआ, गत वर्ष हमने जो योजना बनाई थी उसका क्रियान्वयन कैसा हुआ, अपने स्वयंसेवकों के गुण विकास की दृष्टि से और कार्य के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से किस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में काम हुआ, इसकी दृष्टि से अनुभवों का आदान प्रदान
और वर्ष भर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम उपलब्धियों इसका भी चिंतन रहता है। देश भर में संघ के अखिल भारतीय अधिकारी प्रवास रह करते हैं, उनके अनुभवों का आकलन भी सबके सामने रखा जाता है। इसके अतिरिक्त आने वाले साल के अंदर आने वाले कार्यक्रमों का विचार, कार्य विस्तार की योजना, इसका भी संकल्प किया जाता है। प्रतिवर्ष संघ के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की दृष्टि से और मई जून के महीने में, अप्रैल मई जून के महीने में सारे देश में संघ रिक्षा वर्ग होते हैं। उन सारे संघ रिक्षा वर्गों में होने वाले प्रवास, वर्ष भर के कार्यकर्ताओं के प्रवास, इसकी भी योजना यहाँ पर ये बनती है। ये सारे संगठनात्मक विषयों के साथ साथ अपने देश का जो वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो परिदृश्य रहता है, राष्ट्रीय परिदृश्य रहता है, मुख्यतः ऐसे सामाजिक राष्ट्रीय परिदृश्य का भी चिंतन होता है। इस सारे को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये भी किए जाते हैं। आने वाले वर्ष को ध्यान में रखते हुए कुछ वक्तव्य भी करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे सारे बातों का चिंतन अपनी इस बैठक में रहता है। ये तीन दिन की बैठक से पूर्व कल अपना अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल आएगा, जिसके अंदर ऐसे तीनों दिन के सब विषयों का विचार और निर्णय ये किया जाएगा। बैठक के अंदर आप सब लोगों को बैठक के विषयों की जानकारी के लिए और अपना वर्ष भर के कार्य का प्रतिवेदन देने के लिए 8 मार्च को सुबह अपनी प्रेस की ब्रीफिंग रहेगी। कुछ तो स्थायी विषय रहते हैं, आगामी वर्ष के कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं के प्रवास, प्रशिक्षण, ये सारी बातों की योजना, और फिर सामान्यतः सारे देश के कार्यकर्ता उपस्थित रहते हैं तो वर्तमान सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय परिदृश्य का विचार, ऐसा सब रहेगा। सामाजिक राष्ट्रीय परिदृश्य के संबंध में जितने भी प्रकार के विषय हैं, अपने सीमित समय के अंदर उसका चिंतन होगा। कुछ बातें माननीय सर कार्यवाही प्रतिवेदन में भी कहेंगे, कुछ बात में आपको उसको संकेत भी देंगे सारे। ऐसा है कि अपने यहाँ इस बैठक के अंदर इस प्रकार के चुनावों को लेकर चर्चा नहीं होगी। सामान्यतः देश के परिदृश्य का चिंतन ये होगा, उनका आना कितना समय हो पाएगा, और बाकी बैठक के विषय इतने अधिक हैं, यानी सब प्रांतों का कार्यों का निवेदन, पिछले साल की समीक्षा वो इतनी अधिक रहती है, प्रस्तावों की चर्चा, तो इन सब बातों का कोई बहुत ज्यादा विचार नहीं होगा। तो लोकसभा चुनाव आदि का कोई विचार ऐसा नहीं। अमृत योजना के तहत शहर में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा के लिए बुधवार को नगर निगम परिषद का विशेष सम्मेलन बुधवार को जल विहार स्थित परिषद सभागार में बुलाया गया। बैठक में शहर विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इस बीच विपक्षी पार्षदों द्वारा विभिन्न वार्डों में अमृत योजना के तहत हो रहे धीमी गति के काम पर नाराजगी जताते हुए आसंदी का घेराव करते हुए धरना भी दिया गया। विपक्षी पार्षदों के हंगामे को देखते हुए यहां सभापति भी दो बार परिषद की कार्रवाई को स्थगित भी किया गया, जिसके बाद महापौर के आश्वासन पर विपक्ष ने अपना धरना समाप्त किया और परिषद की कार्रवाई आगे बढ़ी। आज की बैठक में 5 बिंदु हैं और उस एजेंडे पे बैठक बुलाई गई है और बैठक चल रही है अभी, और कुछ सदस्यों की भावनाएं थी अमृत योजना पर, उन्होंने पूर्व में डिसीजन दिया था, उसका पालन सही तरीके से नहीं हुआ, इसलिए सदस्यों ने डाइज को घेरा कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा, और आयुक्त ने उनको जवाब दिया है। समय सीमा में उनके जो काम हैं, अधूरे काम हैं, उनको पूरे कराएंगे। इससे उन्होंने धरना डाइज घेरने का समाप्त किया। अब पुनः सदस्यों ने डाइज घेरी है और 5 मिनट के लिए बैठक स्थगित की है मैंने। अब कुछ अधिकार कमिश्नर के भी हैं, तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी सदस्य मांग करे और उस पर फैसला दे दिया जाए, उस पर सदस्य संपूर्ण सदन की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए फैसला लिया जाएगा। कुछ आयुक्त के अधिकार हैं, मेयर के अधिकार हैं, परिषद के अधिकार हैं, सबों को अपने अपने अधिकार हैं और उनका पालन सब करेंगे। और अभी सदन में पुनः बैठक शुरू होगी,
उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी उसका हम निर्णय देंगे। देखिए, आज की बैठक थी अमृत योजना के मामले पर, हम लोगों ने चर्चा के लिए कहा, परंतु आदरणीय महापौर महोदय चर्चा नहीं कराने चाहते। सबसे पहले मुद्दा यह है कि जो PDMC जो यहाँ कंसल्टेंट कंपनी है, वो उसका कोई औचित्य नहीं है और वो लगातार भ्रष्टाचार कर रही है। हम मध्य प्रदेश शासन को भी इस बारे में अवगत कराएंगे कि कल हमारे यहाँ जो सीवर लाइन, पानी की लाइन डल जाएंगी, उसका बिल्कुल ऐसा होगा जैसे ADB का हुआ। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। PDMC कंपनी को हटाना चाहिए, रामू शुक्ला एक अधिकारी है उसको हटाना चाहिए। क्यों नहीं हम महापौर साहब हटाना चाहते जबकि राज्य शासन ने उसके आदेश कर दिए हैं? तो इस तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए महापौर महोदय बड़ा प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ी दुखद बात है। शासकीय KRG कॉलेज में बुधवार से 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ विधायक प्रवीण पाठक द्वारा किया गया। रोजगार मेले में विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं को शामिल होने का मौका तो मिला ही, साथ ही छात्राओं को स्वरोजगार के लिए विशेषज्ञों ने सुझाव भी दिए। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों के स्टॉल भी लगाए गए और छात्राओं के ऑन स्टॉप पंजीयन भी हुए। देखिए, निश्चित तौर पर युवाओं का सपना होता है, बहुत मेहनत करने के बाद हर युवा का एक सपना होता है कि उसको अच्छी नौकरी मिले, अच्छा प्लेसमेंट मिले। और मैं बधाई देना चाहता हूँ KRG महाविद्यालय के सभी साथियों को जिन्होंने इस कैरियर मेले का आयोजन किया, और निश्चित तौर पर बच्चों के बेहतर भविष्य के सपने को साकार करने के लिए ये मेला एक मील का पत्थर साबित होगा। इस करियर फेयर के लिए करीब करीब 4000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे कॉलेज में मेले जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। जिला स्तरीय ये करियर फेयर है जिसमें केवल ग्वालियर शहर ही नहीं बल्कि मोहना, आपके डबरा, यहाँ के भी बच्चे आए हैं। ये मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग की एक स्कीम है जिसमें वर्ष में एक बार करियर फेयर आयोजित किया जाता है ताकि महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक करियर के अवसर प्राप्त हो सकें और वो समझ सकें इस बात को कि उन्हें अपना भविष्य कहाँ सुरक्षित करना है। तो वो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और हम उन्हें अवसर प्रदान करते हैं। GRMC कॉलेज और ग्वालियर डायबिटीज एंड फूड केयर संस्थान द्वारा आगामी 9 मार्च से 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। डायबिटिक फूड सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर से डायबिटिक विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार रखे जाएंगे और स्थानीय डॉक्टरों के साथ जरूरी जानकारियां भी साझा की जाएंगी। आयोजन सदस्यों द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी गई। डायबिटिक फूड सोसाइटी ऑफ इंडिया के तहत पहली मिड टर्म कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं जो ग्वालियर या MP में पहली बार हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस 9 और 10 मार्च को है, 1.5 दिन की कॉन्फ्रेंस है। इसमें डायबिटीज़ और डायबिटिक फूड स्पेशली, वो पैर जो डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो जाते हैं, जिनको अल्टीमेटली काटा जाता है, उन पैरों को कैसे बचाया जा सकता है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर होती है जिसमें ऑर्थोपेडिक्स वाले, प्लास्टिक सर्जरी के, जनरल सर्जन और मेडिसिन वाले, ये चारों मिलके किसी एक पैर में काम करें तो उस पैर को बचाया जा सकता है। किस तरह से बचाया जा सकता है, इसके लिए पूरे देश से बहुत बड़े बड़े जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। करीब 32 हमारे पास नेशनल फैकल्टी हैं जो अपनी लेक्चर देंगे। वो पूरे लेक्चर 1.5 दिन में होंगे और हम लोगों ने नर्सिंग स्टाफ को भी ट्रेन करने के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करने के लिए रजिस्टर किया है कि उस पैर की ड्रेसिंग्स कैसे की जाएँ, कैसे अच्छी अच्छी तरह की ड्रेसिंग्स होती हैं जो नॉर्मल कन्वेंशनल ड्रेसिंग से अलग होती हैं, उन पैरों को ज़रूरत है उसकी, जिससे उनको बचाया जा सके। ग्वालियर के AB रोड नेशनल हाईवे पर स्थित नया गाँव CRPF ट्रेनिंग कैंप में रह रहे जवानों और अधिकारियों के परिजनों के लिए बनाए गए नए आवासों का बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने
दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। यहां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 1000 नव पारिवारिक आवास और 5 मेंस बेरक का निर्माण किया गया है। समारोह में सीआरपीएफ के आईजी आरपी पांडे सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कैंपस परिसर में नए आवास बनने के जवानों के परिजन भी खुश नजर आए। और अधिकारी भी बड़े प्रसन्न हैं और इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं निश्चित रूप से सुखी प्रदान करते हैं और फौज में इनका मनोबल भी बढ़ता है और विशेष रूप से जो परिवार हैं और जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई लिखाई में और उनके चिकित्सा में इस तरह के कार्यक्रम से और भी फैसिलिटेट हो जाता है। भवन निर्माण हुआ है, लगभग 163 करोड़ का प्रोजेक्ट था और उसमें करीब 12% सेविंग भी है और टाइम से संपन्न हो गया है। 1003 फैमिली क्वार्टर्स यहाँ पर बन चुके हैं। हॉस्पिटल सुविधा भी है, सभी प्रकार की सुविधा यहाँ पर, डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं और पर्याप्त मात्रा में दवाई भी उपलब्ध रहती है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें पहले बहुत ही असुविधाएं उपलब्ध थी कि आने जाने के लिए 25 किलोमीटर रहना पड़ रहा था हमको उधर। अब कैंप में क्वार्टर बनने से हमें बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि पहले जो असुविधाओं के साथ हम रह रहे थे उनसे हमें बहुत ही दिक्कत आती थी, दिनचर्या में भी, हर चीज़ में, ड्यूटी में भी इनको आने जाने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अब हमें ये सुविधा उपलब्ध होने के कारण ऐसा लगता है जैसे हम घर पे ही रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कभी अर्जेंट जाना भी होता था तो बाहर रहने में दिक्कत होती है, हस्बैंड को लगता था कि देखो अकेला छोड़ के जा, लेकिन अब जाना पड़ता है तो उन्हें कोई एक मिनट के लिए भी मतलब ये नहीं लगता कि घर पे नहीं, हम बाहर नहीं, घर पे ही हैं, ऐसा लगता है। मैं राजनाथ सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ क्वार्टर मिलने से बहुत सी सुविधाएं हम लोग को प्राप्त हुई है। पहले हम लोग 25 किलोमीटर गाँव में रहते थे, वहाँ बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, बहुत बच्चों लोग को प्रॉब्लम होता था, खेलने की सुविधा नहीं थी, आने जाने में प्रॉब्लम। यहाँ बस की सुविधा दी जाती है मार्केट जाने के लिए, यहाँ सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है जिसे ग्वालियर में। और राजनाथ सिंह को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये क्वार्टर बनवा के बहुत अच्छा काम किए हम लोग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 10 मार्च को बेटी है तो कल है संस्था द्वारा शहर में महिला जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा जो कि कंपू स्थित बेटी बचाओ चौराहे से शुरू होकर शहर भर का भ्रमण कर वापस उसी स्थान पर खत्म होगी। आयोजन में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी भी शामिल होंगी। संस्था संरक्षक समीक्षा गुप्ता द्वारा एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को जो हम सब मनाते हैं, लेकिन इस बार बेटी है तो कल हमारी सामाजिक संस्था ने 10 तारीख को मनाने का निर्णय लिया है क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और 10 तारीख को संडे भी है, इसलिए हम लोगों ने क्योंकि हमारी जो बहनें हैं उनके बच्चे एग्ज़ाम दे के और संडे को थोड़ा सा उनको भी फ्री होंगी, इसलिए एक विशाल बड़ी रैली निकालने का एक छोटा सा प्रयास किया है। उस रैली का शुभारंभ मैस्कॉट हॉस्पिटल से बेटी बचाओ चौराहे से शुरू होगा। उसमें लगभग दो पहिया वाहन लगभग 50 के करीब रहेंगे और हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर बेटियां हैं उनकी गाड़ी झांकियों के तौर पे और बेटी बचाओ का संदेश देती हुई बहुत सारी झांकियां इस तरीके से निकलेंगी और लगभग 4 पहिया जो वाहन है वो 100 के करीब हमारे वो वाहन रहेंगे। इस उद्देश्य रैली का यही है क्योंकि आज समाज में हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को समानता का अधिकार नहीं दिया जाता और आज भी क्योंकि हर कहते हैं कि हर मैदान में लड़ने को तैयार है, हर मैदान में काम करने को हमारी बेटी और बहन तैयार है तो उनका समानता का अधिकार मिले। सड़क हादसों को रोकने और वाहनों में ओवरलोडिंग ना हो इसे देखते हुए हाल ही में प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई करने के निर्देश परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए थे जिस पर नेशनल हाईवे 75 पर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सुबह से ही वाहनों की चेकिंग करते हुए चालानी कार्रवाई की और कई वाहनों को जब्त किया। माननीय परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश है, ये निर्देश से अभियान चल रहा है तो बसों की जो बकाया वसूली है, बिना परमिट की गाड़ियां हैं, बिना फिटनेस की गाड़ियां हैं, इनकी चेकिंग कर रहे हैं। आज की कार्रवाई में 3 बसें
छाया में और बिना परमिट कार्रवाई पकड़ी। ये अभियान अभी 10 तारीख तक चलेगा। इस पीरियड में जो भी गाड़ी पकड़ी जाएंगी वो कार्रवाई होगी। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।